मैं मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आप सवाल पूछिए, धन्यवाद मैंने इसी पार्लियामेंट में कुछ दिन पहले बिस्मिल्ला खान जी के संबंध में उठाया था, और बिस्मिल्ला खान जी के संबंध में हमने प्रधानमंत्री को भी लिखा था, मंत्री महोदय के पास भी कॉपी पहुंची होगी, और मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने कर भी दिया होगा क्योंकि बहुत अच्छे मंत्री हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि बिस्मिल्ला खान जी ने और हम लोगों ने मांग किया था कि उनको उनका भारत रत्न मिला है, और इन सारी चीजों को देखते हुए उनको गैस एजेंसी की उन्होंने मांग किया था और उनको आवंटित किया जाए, क्या सरकार ने निर्णय ले लिया है और उनको गैस एजेंसी आवंटित कर दिया गया है? उपसभापति जी, ये बात सही है कि राम विलास पासवान जी से लेकर प्रधानमंत्री जी ने उनके पास सबके मेमोरेंडम आया था कि उनको गैस एजेंसी देनी है, लेकिन सर गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप देने के लिए जो गाइडलाइंस है उसमें कोई भी डिस्क्रिशनरी देने की प्रोविजन नहीं है। आप दिया है उसको फ्रीडम फाइटर में रख लीजिए उनको। नहीं नहीं, देखिए आज के प्लीज आज के स्थिति में ऐसे गाइडलाइन में प्रोविजन नहीं है, और इसलिए डिस्क्रिशनरी कोटा न होने के कारण देना संभव नहीं हुआ है। अब ऐसा है कि अब ये सारा डीरेगुलेशन होने के बाद तेल कंपनियों के पास ये काम जाएगा, तेल कंपनियों को ये तय करने का, अपने गाइडलाइंस तय करने का अधिकार होगा। आने वाले 3-4 सप्ताह में वह अपने गाइडलाइंस फाइनलाइज करेगी और उसके बाद कोई ना कोई रास्ता निकालकर उनको देने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अभी के स्थिति में पेट्रोलियम मिनिस्टर के पास डिस्क्रिशनरी कोटा नहीं है। उन्होंने, आपने पूछा है डिस्क्रिशनरी कोटा से उनको दिया जाएगा, इन्होंने कहा कि डिस्क्रिशनरी कोटा ही नहीं है। मैंने डिस्क्रिशनरी कोटा नहीं कहा है, मैंने सर कहा है कि इस देश में भारत रत्न सर बिस्मिल्ला खान को, उस्ताद बिस्मिल्ला खान को जनरल कैटेगरी में और गाइडलाइन में नहीं रखा जा सकता है, उनको भारत रत्न मिला है, और भारत रत्न के मिलने के बाद सरकार ने जब इतना बड़ा उनको दिया है और सारे सदन, एक कोई मेंबर नहीं है जो मेंबर विरोध कर सकता है, सारे सदन के भावना को देखते हुए रेणु कुमारी जी के स्पेशल केस में हम लोग पूरा सदन के तरफ से मांग कर रहे हैं कि उनको दिया जाना चाहिए, और इस पेपर में आया कि आपने दे दिया है, पेपर में किसी पेपर ना प्लीज आपने दे दिया बिस्मिल्ला राजीव रंजन प्लीज सुनिए अध्यक्ष महोदय ना प्लीज मैं न्यू गाइडलाइंस अगर होगा तो बता देंगे, वो नहीं उन्होंने कहा लिख के दे देंगे गाइडलाइन नहीं अभी लिख के दे देंगे। उपाध्यक्ष महोदय मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आप प्रधानमंत्री जी से बातचीत कर करके इसको निगेटिव में जवाब मत दीजिए, आप कंसीडरेशन में रखिए, आप डोंट से इन पार्लियामेंट रख लो प्लीज। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी के साथ भी इसके संबंध में बात की है, और हमने उनको ये कहा है कि अब ये डीरेगुलेशन का मामला शुरू हुआ है, उसमें से कोई ना कोई रास्ता निकाल कर दिया जाएगा, लेकिन तो दिया रास्ता निकाले। जो गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की उसमें डिस्क्रिशनरी रेणु कुमारी जी अध्यक्ष महोदय और भारत रत्न का तो अध्यक्ष इतना बड़ा सम्मान देने के बाद बहुमान है ही सरकार ने दिया हुआ, लेकिन इसमें कैसे किया जा सकता है उसमें कोशिश करेंगे। प्लीज उपाध्यक्ष महोदय रेणु कुमारी माननीय रेणु कुमारी प्लीज।